Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम क्लास फोर्थ में हिंदी साहित्य लेसन 5 दादी माँ के खेल पढ़ाएंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस लेसन की जो रीडिंग कराई थी, आज हम आपको इस लेसन की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वगैरह बताएंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपका पेज नंबर 62 ओपन करना है आप लोगों को। पेज नंबर 62 पे आप लोगों को इसी लेसन की, दादी माँ के खेल के लेसन की एक्सरसाइज, ये देखिए ये दी हुई है, यहाँ से शुरू है। आओ करें एक से बच्चों सॉरी आओ करें एक। क्या है बच्चों? एम सी क्यूज है, मतलब इसके आंसर एक क्वेश्चन होता है, उसके तीन या चार ऑप्शन होते हैं, एक सही आपके आपको टिक करना होता है। चलिए, फर्स्ट है आपका, सनी कंप्यूटर पर कौन सा खेल खेल रहा था? क्या होगा? क्रिकेट, मतलब आप लोग क्रिकेट पर वो करेंगे, टिक करेंगे। इसके बाद है बच्चों आपका सेकंड है, आंख मिचोली खेलने के लिए दादी ने सनी की आंखों पर क्या बांधा था? आंसर होगा दुपट्टा। ठीक, फिर है आंख मिचोली के लिए सब कहाँ गए थे? आंसर होगा बगीचे में। फिर है सनी के खेल, सनी के जीवन के लिए दादी द्वारा सिखाए गए खेल क्या हैं? आंसर होगा अमूल्य खजाना। ये देखिए अमूल खजाना, क्रिकेट की स्पेलिंग बच्चों थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे का में हमने की मात्रा नहीं लगाई है, अब सही हो गई। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि फर्स्ट में क्या फील होगा, अरे सॉरी फर्स्ट में क्या होगा? क्रिकेट, सेकेंड में होगा दुपट्टा, और थर्ड में होगा बगीचे, और फोर्थ में होगा अमूल्य खजाना। फिर है आपका आओ करें दो। आओ करें दो बच्चों, ये देखिए ये है, ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। आओ करें दो, ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, आपको इसमें फिल करना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको यहाँ, इन्हीं ऑप्शंस को देखकर यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए, फर्स्ट है आपका, सनी की दादी अक्सर कहती है कि खेल, फर्स्ट में आप फिल करेंगे खेल, सेकेंड में आप फिल करेंगे उत्सुक, थर्ड में आप फिल करेंगे बगीचे, और फोर्थ में आप फिल करेंगे मोहल्ले। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए एक्सरसाइज नंबर, सॉरी आओ करें तीन। बच्चों आओ करें तीन आपका क्वेश्चंस है, ये देखिए अभी हम आपको ये वाले क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। ये आपका दिया है पेज नंबर 63 पे, ये देखिए। चलिए आपको हम इन क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ ने किन किन खेलों की बात की? तो आंसर होगा आपका, दादी माँ ने किन किन खेलों की बात की थी? तो दादी माँ ने अपने समय में खेले जाने वाले खेलों में पोशंपा भाई पोशंपा, हरा समंदर, गोपी चंदर, कोक लच्छी, पाकी, जिम्मे, रात आई है, पकड़म पकड़ाई, आँख मिचौली आदि खेलों की बात की। ठीक है बच्चों, ये आपका जो आंसर है आपकी बुक में ही दिया हुआ है, अगर न समझ में आए तो बुक से भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर है, दादी माँ के समय क्रिकेट कैसे खेलते थे? तो इसका आंसर होगा, दादी माँ के समय बच्चे क्रिकेट गेंद और बल्ला लेकर मैदान या गली में खेलते थे। ठीक बच्चों, फिर है इसका थर्ड क्वेश्चन, दादी ने स्वयं को स्वस्थ रहने का क्या कारण बताया? इसका आंसर होगा बच्चों, दादी ने अपने स्वस्थ रहने का कारण ये बताया था कि मैदान में जाकर पतंग उड़ाना, रस्सी कूदना, छुपन छुपाई खेलना, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना, इन सब खेलों के कारण हम जो है अभी भी स्वस्थ हैं। फिर है, सनी प्रतिदिन बगीचे में जाकर क्या क्या करने लगा? इसका आंसर होगा बच्चों, सनी प्रतिदिन दादी के साथ बगीचे में जाकर नए नए खेल खेलने लगा। ठीक बच्चों, चलिए अब हम आपको बताते हैं ये जो आपके लेसन्स के बीच में क्वेश्चंस दिए रहते हैं इनके आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ से ये पेज नंबर 57 से, यहाँ से फर्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, जो लेसन्स के बीच में क्वेश्चंस दिए रहते हैं हम उसके आंसर आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सनी कंप्यूटर पर क्या खेल रहा था? इसका आंसर होगा, सनी कंप्यूटर पर क्रिकेट का गेम खेल रहा था, या क्रिकेट खेल रहा था। फिर सेकेंड आपका दिया है बच्चों पेज नंबर 58 पे, ये देखिए नीचे यहाँ क्वेश्चन है आपका, दादी अपने बचपन में कौन से खेल खेला करती थी? बच्चों यही वाला आंसर जो अभी हमने आपको बताया कि दादी जो है कौन से खेल खेलती थी, पोशंपा भाई पोशंपा, पकड़म पकड़ाई, हरा समंदर, गोपी चंदर आदि खेल वो खेला करती थी। फिर
फिर है आपका पे आइए पेज नंबर 59 पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों, दादी ने किस खेल को जंग जीतने जैसा बताया? तो इसका आंसर होगा पेड़ पर चढ़ना ही, पेड़ पर चढ़ना दादी ने जंग जीतने का खेल बताया है। मतलब जो पेड़ पर चढ़ जाती तो जैसे लगता था कि जंग जीत गई ना, तो वही इसका आंसर होगा कि पेड़ पर चढ़ना ही खेल जंग जीतने जैसा बताया। फिर बच्चों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 61 पे, ये देखिए ये दिया है ना। क्वेश्चन है किसके सिखाए खेल सनी के अमूल्य खजानों में से एक हैं? आंसर होगा दादी माँ के सिखाए खेल सनी के अनमोल खजानों में से एक हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब आपका ये एक्सरसाइज नंबर 3 भी खत्म होती है। अब आइए आप सब शब्द ज्ञान जो है आपका पेज नंबर 63 पे, ये देखिए ये शब्द ज्ञान है, यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। सबसे पहले आपका है अनेक अर्थी शब्द। अनेक अर्थी शब्द क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो एक शब्द होता है उसके जो है कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अनेक अर्थी शब्द। जैसे आपका ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये देखिए भौरा दिया, सॉरी अली दिया हुआ है। अली मीन्स होता है भौरा या कोयल, ठीक। एक अर्थ है अली, एक शब्द है अली, उसके कितने अर्थ हुए, दो। यही होता है अनेक अर्थी शब्द, मतलब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ। फिर है आपका कर। तो कर मतलब बच्चों हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। फिर है अंक, अंक मतलब गोद भी होती है और संख्या भी होती है, ठीक। तो यही है आपका अनेक अर्थी शब्द, मतलब एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। बच्चों इसकी डिफिनीशन है आपकी पेज नंबर 63 पे, ये देखिए ये लिखी हुई है और इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक। ये आपके अनेक अर्थी शब्द के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए अब आइए आप पेज नंबर 64 पे, ये देख रहे हैं आप लोग पेज नंबर 64, ये वाली एक्सरसाइज आओ करें चार। बच्चों आओ करें जो चार एक्सरसाइज है उसमें आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड के आपको मतलब एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के आपको दो अर्थ लिखने हैं। ये देख रहे हैं, ये आपको दो अर्थ लिखने हैं। पहला वर्ड है आपका तीर। तो तीर मतलब बच्चों क्या होता है, आप फिल करेंगे किनारा और बाण, ठीक फर्स्ट में। सेकेंड है अंक, अंक में क्या फिल करेंगे, गोद और संख्या। थर्ड है आपका पत्र, तो पत्र मीन्स पत्ता होता है और चिट्ठी, मतलब आप थर्ड में पत्ता और चिट्ठी फिल करेंगे। फोर्थ है आपका बच्चों हार, तो हार में आप क्या फिल करेंगे, गले का हार और पराजय, ठीक। इसके बाद आइए बच्चों आओ करें पाँच। आओ करें पाँच देखिए बच्चों ये है आपका, इसमें आपको दो पिक्चर बनानी है। एक अली मतलब क्या होता है, अली मतलब हमने बताया कोयल और भौरा होता है, तो आपको यहाँ पे कोयल और भौरे की पिक्चर बनानी है, ठीक। मतलब इन दोनों कॉलर्स में वो भौरे और कोयल की पिक्चर आपको बनाना है और फिर यहाँ पे उनके नाम लिखना है। आपने इस कॉलम में भौरे का चित्र बनाया है तो आप यहाँ भौरा लिखेंगी, यहाँ पे आपने कोयल का बनाया है तो आप लोग यहाँ पे कोयल लिखेंगे, ठीक। फिर आइए पेज नंबर 65 क्रिया, भाषा की पहचान। ये देखिए भाषा की पहचान यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। बच्चों क्रिया क्या होती है, चलिए हम इसकी डिफिनेशन बताते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी हम कुछ काम करते हैं वो क्या होता है, हमारा क्रिया होता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाना भी क्या है, क्रिया है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना भी क्या है, आपका क्रिया है, ठीक। मतलब हम जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। बच्चों क्रिया की डिफिनेशन ये देखिए ये दी हुई है पेज नंबर 65 पे, ये आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। इसी ब्लू कलर के बॉक्स में ये देखिए ये आपको ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, यही आपकी क्रिया की डिफिनेशन है। इसके बाद आइए एक्सरसाइज नंबर आओ कर 6 पे बच्चों। आओ करे छः बच्चों राइट रॉन्ग है, इसमें आपको कौन सा वर्ड राइट है कौन सा वर्ड रॉन्ग है उसके आगे आपको टिक करना है। फर्स्ट है जिन शब्दों से किसी काम के करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बच्चों फर्स्ट आपका राइट होगा, सेकेंड आपका रॉन्ग होगा, थर्ड आपका राइट होगा और फोर्थ आपका रॉन्ग होगा, ठीक। फिर से सुनिए, फर्स्ट आपका राइट होगा, सेकेंड आपका रॉन्ग होगा, थर्ड आपका राइट होगा और जो लास्ट यानी फोर्थ है वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक।
फिर आप पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 66, ये देखिए ये आपका पेज नंबर 66। बच्चों पेज नंबर 66 में पहली एक्सरसाइज है आपकी आओ करे साथ में। बच्चों ये देखिए, ये आओ करे साथ में, ये देखिए आपको कुछ ही वर्ड नज़र आ रहे हैं। ये जो इन वर्ड पे आपको क्या करना है, जो वर्ड क्रिया है, जो शब्द क्रिया है, उन पे आपको पहचानना है, टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देखना पे टिक करेंगे, सेकंड पे आप हंसना पे टिक करेंगे, थर्ड में आप सुनना टिक करेंगे, और फोर्थ में आप उछलना टिक करेंगे, फिफ्थ में आप नाचना टिक करेंगे, और सिक्स्थ में आप तैरना टिक करेंगे, और सेवन्थ में आप बोलना पे टिक करेंगे। ये देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, ये हमने सर्किल बनाया है, आप लोग टिक कर सकते हैं, आपको दिख रहा है ये देखिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टिक कर सकते हैं जो शब्द क्रिया हैं। फिर है आपकी आओ करे आठ। बच्चों आओ करे आठ जो है वो आपको, ये देखिए ये एक्सरसाइज है आओ करे आठ, ये देखिए ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस को देखकर आपको इसमें फिल करना है क्रिया वर्ड, ठीक। कैसे फिल होगा, फर्स्ट है आपका बच्चे पार्क में खेलना लिखा है, तो आप क्या फिल करेंगे, खेल फिल करेंगे, ठीक। फर्स्ट में आप खेल फिल करेंगे, सेकंड है माँ ने बेटी को खाना खिलाना, तो क्या फिल करेंगे आप, खिलाया, वहाँ पे खिलाना नहीं होगा, खिलाया होगा। फिर थर्ड है सुमन अपनी सहेलियों के साथ झूला, झूलना लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, झूल रही है। फोर्थ है आपका राजीव पानी में तैरना लिखा हुआ है, तो आप क्या फिल करेंगे, तैर। फिर है लास्ट आपका दादी ने कहानी, क्या लिखा है आपका, सुनाना, तो क्या फिल करेंगे आप वहाँ पे, सुनाई, मतलब खेल, खिलाया, झूल, तैर और सुनाई, ये आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। बच्चों इस तरह आपकी ये जो कोर्स, आपकी जो कोर्स बुक है, इसकी जो ये आपका लेसन 5 है, इसकी आपकी कोर्स बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जब वो ख़त्म हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बुक, इसी लेसन यानी लेसन 5 दादी माँ के खेल का आपको आपकी जो प्रैक्टिस बुक है वो, और रिवीजन असाइनमेंट हम आपको बताएंगे।